तालाब में नहाने गए एक व्यक्ति की नहाते समय डूबने से मौत हो गई। व्यक्ति की मौत से परिवार में मातम का माहौल है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। ये मामला मैहर के बदनपुर गांव का है, जहां गांव का ही ध्रुव कुमार तिवारी तालाब में नहाने गया था और नहाते समय वह गहरे पानी में डूब गया। जैसे ही गांव वालों को इस मामले की जानकारी लगी, उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर ध्रुव को बाहर निकाला और उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गांव के सरपंच राहुल गुप्ता ने बताया कि शासन प्रशासन से कई बार गुजारिश करने के बाद भी तालाब की सफाई नहीं कराई गई। तालाब में सिंघाड़े के जाल में बिछे हुए हैं, जिसकी चपेट में ध्रुव आ गया और वह डूब गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। यहाँ के ध्रुव कुमार तिवारी जी, जिनकी उम्र 45 साल है, इनकी आज तालाब में सिंघाड़े के दलदल में फंसने के कारण इनकी मौत हो गई। और इसकी शिकायत हमने कलेक्टर साहब, एसपी साहब और अन्य अनुभागीय अधिकारियों को भी की थी, लेकिन आज तक दिनांक तक कोई इनके इसमें कार्रवाई नहीं की गई और आज उसी का कारण हमको देखने का मिल रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।